राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की और आज हम बात करेंगे दूदू विधानसभा क्षेत्र के बारे में। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोषा। दूदू विधानसभा सीट में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दूदू से कांग्रेस ने बाबूलाल नागर को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को एक बार फिर मौका दिया है। बाबूलाल नागर और प्रेमचंद बैरवा दोनों ही 2018 में दूदू से चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें, बाबूलाल नागर यहां से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार कांग्रेस के टिकट पर और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता। वर्तमान में बाबूलाल नागर दूदू से निर्दलीय विधायक। अब बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव, तो बाबूलाल नागर ने प्रेमचंद बैरवा को 14,779 मतों के भारी अंतर से हराया था। जहां प्रेमचंद बैरवा को 53,990 मत मिले तो वहीं बाबूलाल नागर ने 68,769 मत हासिल कर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। दूदू विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट। इस बार दूदू विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। अब बात करते हैं दूदू विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण के बारे में। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों के समय दूदू विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,30,231 मतदाता थे, जिनमें से 1,19,498 पुरुष और 1,10,733 महिला मतदाता थे। दूदू विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर अभी निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली थी। 1998 में बाबूलाल नागर पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2003 और 2008 के चुनाव में जीत हासिल करते हुए चुनावी जीत की हैट्रिक लगाई। इस सीट पर करीब 70,000 एससी वोटर्स हैं, जिनमें 35,000 के करीब बैरवा वोटर्स हैं। इनके बाद करीब 50,000 जाट वोटर्स हैं। जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो दूदू विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति का दबदबा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने यहाँ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर दाव खेला है। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की जहां जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कसी है, क्योंकि इस सीट पर जीत उम्मीदवारों के आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। नमस्कार।